मारुति सुजुकी स्विफ्ट 1983 में लॉन्च हुई थी और ये 2024 का सेवन जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं सिर्फ पेट्रोल में आती है रेंज शुरू होती है एक्शोरूम सिक्स लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है नाइन लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज़ और ये टॉप मॉडल जेड एक्स आई प्लस आप देख रहे हैं इसके सेडैन वर्जन का नाम डिजायर है जिसकी कीमत शुरू होती है सिक्स लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड रुपीज़ से सेवनटीन थाउजेंड रुपीज़ फोर थर्टी सिक्स रुपीज़ की मंथली फीस पर आप स्विफ्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसकी इंडिया और जापान में असेंबली होती है ये दुनिया की सबसे फेमस हैचबैक्स में से एक है 169 कंट्रीज में आज तक 90 लाख से ज्यादा स्विफ्ट बिक चुकी हैं ये कई बार इंडिया की भी बेस्ट सेलिंग कार रही है 29 लाख से ज्यादा स्विफ्ट बिक चुकी है इंडिया में ग्लोबल सेल्स में से 30 परसेंट स्विफ्ट इंडिया में बिकती हैं ए ओ एल कोडनेमस जनरेशन स्विफ्ट का पुरानी जनरेशन से मिलता जुलता है नया डिजाइन बट ये फोर ज़्यादा एरोडानेमिक है सुजुकी के हार्ड टैक प्लेटफॉर्म बनी है स्विफ्ट जिसपे बलेनो सोलियो एग्नेस डिजायर वैगनार एस्प्रेसो सेलेरियो फ्रॉन्ग्स और अल्टो केटन भी बने हैं और एलईडी फॉग लैंप, ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल सुजुकी का लोगो और ये ऑटो एलईडी स्मोकी प्रोजेक्टर हेडलैंप बुमा रैंग एलईडी डी आर एल टू वहीकल और फॉलो मी होम फंक्शन के साथ वाइपर्स माइक्रोपोल एंटेना है ब्लैक रूफ है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स हैं टर्न इंडिकेटर के साथ 3.8 मीटर लेंथ है 1.7 मीटर वेथ है 1.5 मीटर हाइट है 4.8 मीटर टर्निंग रेडियस है 163 सिक्सटी ग्राउंड क्लियरेंस है 920 ट्वेंटी के जी कर्व वेट है और 1,355 थाउजेंड ग्रॉस वेट है स्विफ्ट का और ये है 15 इंच के प्रिसीजन कट डूबल टोन एलॉय व्हील 14 इंच के स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन है आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे आगे पीछे 185/65 ईपी वन फिफ्टी रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे ये सिजलिंग रेड कलर आप देख रहे हैं ब्लू ग्रे ऑरेंज वाइट और सिल्वर कलर का भी ऑप्शन है या पीछे रिफ्लेक्टर या सेंसर टो एग्जॉस्टेल पाइप रियर कैमरा सुजुकी अलोगो स्विफ्ट की बैजिंग और ये सी शेप डेलईडी कॉम्बिनेशन टेल लैम्प रियर वाइपर वॉशर के साथ डिफॉगर है आई माउंट स्टॉप लैम्प कई मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप में भी रेस करती है स्विफ्ट सुजुकी के ग्लोबल हैचबैक लाइनअप में इग्नेस और बलिनो के बीच में आती है स्विफ्ट इसने कई कार ऑफ द ईयर अवार्ड्स भी जीते हैं इसे जनरेशन जी को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है रैप अराउंड कैरेक्टर लाइन है आइडल स्टार स्टॉप फंक्शन है हाइड्रोलिक क्लच है स्मूथ क्लच यूसेज के लिए सेफ्टी के अंदर सिक्स एयरबैग एबीएस सीबी डी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हिलोल्ड असिस्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वाइड एंगल रियर व्यू कैमरा सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम शॉक सेंसर के साथ आई एस सीट माउंटिंग स्पीड सेंसिटिव वाटर डोर लॉक सीट बेल्ट रिमाइंडर एंजनी मोबिलाइजर कीलेस एंट्री सेंटर स्पीड अलर्ट और थ्री पॉइंट सीट बेल्ट है जिसमें आगे की सीट बेल्ट प्री टेंशनर फोर्स लिमिटर के साथ मिलेंगे सुजुकी कनेक्ट है जिसमें स्मार्टफोन ऐप से कार के कई फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं जैसे इमरजेंसी अलर्ट्स जियो फेंसिंग टाइम फेंसिंग वैले अलर्ट टो अवे ट्रैकिंग ड्राइविंग बिहेवियर लोकेशन शेयरिंग ओवर स्पीडिंग रिमोट डोर लॉक कैंसिल हेजार्ड लाइट ऑन ऑफ हेडलाइट ऑफ अलार्म स्मार्ट वॉच या अलेक्सा स्किल कनेक्टिविटी और बहुत कुछ एक्स सीरीज में कई ऑप्शन मिलेंगे जैसे अंडर बॉडी स्पॉयलर बॉडी गार्निश डोर वाइजर ग्राफिक्स व्हील आर्च किट रियर स्पॉयलर कफ प्लेट इंटीरियर स्टाइलिंग किट सीट कवर्स किट प्लेट ग्रिल इंसर्ट इंटीरियर और आउटसाइड रियर व्यू मिरर कवर बॉडी साइड मोल्डिंग फ्लोर मैट्स कार कवर बंपर प्रोटेक्टर विंडो फ्रेम किट की कवर सनशेड एम्बियट लाइट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और बहुत कुछ और यहाँ आपको मिलेगी 265 लीटर की बूट स्पेस टायर इन्फ्लेटर वैक्यूम क्लीनर फास्ट चार्जर परफ्यूम और कई ऑप्शंस मिलेंगे एक्सरीज में यहाँ पर आएगा जैक एक्सरी पैकेजेस भी अवेलेबल हैं स्विफ्ट के यहाँ पर होक लाइट दी गई है और ये स्पेयर व्हील आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं स्पीकर्स का आर्कमी सराउंड सेंस साउंड सिस्टम मिलेगा स्विफ्ट में नीचे बॉटल होल्डर स्पीकर ऊपर थोड़ी स्पेस पावर विंडो का बटन और ये है ब्लैक फैब्रिक एपॉस्ट्री एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं दो फैब्रिक फिनिश फोर्टी स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स, पैसेंजर सीट के पीछे पॉकेट मिलेगी प्लेन रूफ है दो ए सी पॉकेट है यहाँ पे हैंडल बार पार्सल ट्रे नया मल्टीलेर्ड सेंटर फ्लोटिंग डिजाइन डैशबोर्ड है फुटवेल इल्यूमिनेशन है आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं यहाँ पर भी डोर पर नीचे काफ़ी स्पेस दी गई है स्पीकर है ड्राइवर की तरफ एट डिग्री टिल्टेड डैशबोर्ड है बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन पावर विंडो मिलेगी एंटी पिंच के साथ ऊपर भी थोड़ी स्पेस पावर विंडो के कंट्रोल्स डोर लॉक लोकन अनलॉक करने का बटन ओ के कंट्रोल बॉटर होल्डर काफी स्पेस स्पीकर और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है आगे भी एडजस्टेबल हेड रेस्ट है और ये टिल्ट स्टेरिंग पैडल्स बोनेट ऑफ यूनिट खोलने के लीवर और यहां से भरेंगे पेट्रोल ऑटो तो स्टार्ट स्टॉप ऑफ लाइट के कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एसी वेंट, मैनुअल हैंड ब्रेक यहां पर दो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट है और यह है फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन फाइव स्पीड एएमटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है दो ग्लास होल्डर वायरलेस चार्जर और यहां 12 वोल्ट का पोर्ट यूएसबी पोर्ट और ये है ऑटोमेटिक डिजिटल एसी, दो एसी वेंट और यह नाइन इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच के इंफोटेनमेंट सपोर्ट करेगा हाई सुजुकी ऑन ऑनबोर्ड वॉइस असिस्टेंट ओवर द एयर अपडेट्स वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले यूएसबी ब्लूटूथ एफ एम और रेडियो इससे नीचे वेरियंट्स में सेवन इंच का टच टस्क इंफोटेनमेंट आएगा क्विक एक्सेस हब क्लॉक एवरेज एवरेज स्पीड वहीकल इंफॉर्मेशन मीडिया सेटिंग रियर कैमरा डिस्प्ले एफ एम रेडियो वॉइस कंट्रोल और शानदार डैशबोर्ड की फिनिश ग्लोब बॉक्स काफी स्पेस पैसेंजर साइड मिरर, मैनुअल डे नाइट रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट ड्राइवर साइड सनवाइजर टिकट होल्डर के साथ और ये है लेदर रैप्ड पावर स्टेयरिंग ये फोन और वॉइस कंट्रोल ये इंफरटेनमेंट और वॉल्यूम के कंट्रोल सुजुकी का लोगो क्रूज कंट्रोल लाइट के कंट्रोल वाइपर के कंट्रोल स्टेरिंग एडजस्टमेंट और यह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये दिखाएगा आरपीएम कूलेंट टेम्परेचर फ्यूल लेवल स्पीड टाइम गेयर शिफ्ट इंडिकेटर और कई इंफॉर्मेशन आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं नया पेट्रोल इंजन। तो यह है हंड्रेड सीसी इन लाइन थ्री सिलेंडर बी एस सिक्स डीओएचसी ट्वेल्व वॉल्व सुजुकी जेड ट्वेल्व ई पेट्रोल इंजन। 80 हॉर्स पावर है 111 हंड्रेड इलेवन एन टॉर्क है ट्वेंटी का एवरेज मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में 25 का एवरेज मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 37 लीटर के फ्यूल टैंक से ये एकदम नया सुजुकी Z12 इंजन है जिसने सुजुकी K12 इंजन को रिप्लेस किया है इंडियन ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से इसे ट्यून किया गया है बेहतरीन लो एंड टॉर्क डिलीवरी है बेहतर एक्सेलेशन के लिए इलेक्ट्रिक वाटर पम्प है बढ़िया इंजन कूलिंग के लिए लैमडा एयर फ्लो सेंसर है ट्वेल्व कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए और ज़्यादा एवरेज के लिए भी इसने सुजुकी के सीरीज इंजन को रिप्लेस किया है ये नया सुजुकी जेड सीरीज इंजन है तो यह था 1200 सीसी पेट्रोल इंजन